लगा हुआ है कवर, भैया हटा दो कवर। अब ये हमारे वैगनार पे कवर लगा भी, भैया हटा ही रहे थे तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। और ये रहने वाली हमारी दूसरी वैगनार, दो वैगनार है। और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो दिखाने से पहले एक बार हम आप आ रखे शीतला कार एम्पोरियम जो कि नाई वाला में पड़ता है, बोर्ड वगैरह दिखाता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में दोनों गाड़ियाँ एक एक करके दिखाने वाला हूँ। भाई आज हम आ रखे शीतला कार एम्पोरियम और हमारे पास आई है आज एक नहीं दो वैगनार भैया यहाँ पे मिलेंगे। भैया थोड़ा सा बताना वैगनार में क्या क्या काम हुआ है। वैगनार में हमारे सीट कवर डले हैं, पीछे का रियर गार्ड डला हुआ है, स्पॉइलर डला हुआ है, और आपका ये बम्पर कॉर्नर डले हुए हैं, फॉग लैम्प डली है, साइड बीडिंग डली हुई है, और आपका ये रेन वाइजर डले हुए हैं। ये काफी सारा काम जो कस्टमर ने काम बताया वो सारा सामान हो रखा है। मतलब बात करें तो जो बेसिक गाड़ी की रिक्वायरमेंट भी लिया है भैया ने, मैटिंग भी डलवाई है इन्होंने, और क्या कहते हैं आपका टेम्पल भी डलवाया, परफ्यूम डलवाया, स्टेयरिंग रैप भी हुआ है। ये सब सारा सामान इनके हमारे ये वैगनार में हुआ है। मतलब भाई दोनों वैगनार में सेम काम हो रहा है। कल भी भैया की दो वैगनार आएंगी, वो क्या कहते हैं ये सब हमारे आर्मी वाले हैं, इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है हम सबकी। तो भैया पीछे खड़े अभी बात करेंगे इनसे, एक बार काम मैं आपको दिखा दूं। तो बाकी भैया क्या क्या कैसा रहा काम का? काम तो भाई बिल्कुल अच्छा किया इन्होंने, बिल्कुल मतलब एक बार भैया मैं डिटेल में दिखाऊं काम, फिर हम आएंगे आपके पास दोबारा बात करेंगे। तो ये भाई लेके आए वैगन आर हमारे यहाँ, दिखाते हैं आपको काम क्या क्या हो। क्योंकि भैया एक बात करें, जैसे बीच में मैं बात कर रहा था, बेसिक काम ना जो गाड़ी को एक जरूरत होती है वो काम हुआ इसमें। बेसिक काम हुआ है बिल्कुल, इसमें जो आर्मी बल्ले भैया ने बोली थी उनके मुताबिक ही हमने वो सारा काम करके दिया है। तो भाई चलते हैं गाड़ी आपको दिखाते हैं, और दोनों गाड़ी खड़ी है हमारी वैगनार आमने सामने, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये देख सकते हो ये आ रखे हम शीतला कार एम्पोरियम नाई वाला करोलबाग में पड़ता है, और ये रहने वाली हमारी दोनों वैगनार। तो शुरू करते हैं हमारी ये वाली वैगनार से, फिर हम इधर भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा फ्रंट प्रोफाइल से, भैया थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे भाई क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। तो भैया थोड़ा बताना, हम शुरू करेंगे ये वाली वैगनार से जिसमें हमने पहले कपड़ा लगा के रखा था। तो भैया बताते जाना क्या क्या काम हुआ है। सीट कवर डले हैं हमारे, ठीक है, और ये बम्पर कॉर्नर डले हुए हैं, ठीक है, साइड बीडिंग डली है। अच्छा तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। साइड बीडिंग, डोर वाइजर, ठीक है। फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं भैया, लाइट में भी कुछ काम किया इसमें? लाइट में कोई काम नहीं हुआ। लाइट में काम नहीं हुआ, जो कि हमारी देखे कॉर्नर बम्पर प्रोटेक्टर, ये स्क्रैचेस वगैरह से बचाते हैं हमारी गाड़ी को, क्योंकि बाइक वगैरह वाले स्क्रैचेस मार जाते हैं आपको पता ही होगा, तो उससे हमारी गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा भैया ये बेस वेरियंट है तो फॉग लाइट आपने डाली क्या? फॉग लाइट कौन सी डली है भैया? ये मिंडा की फोटेक डली है, मिंडा की चली है, लगी है। अच्छा एक बार फॉग लाइट जला के दिखाना भैया। तो भाई फ्रंट प्रोफाइल में हमारी खाली लगी है फॉग लाइट, और वैगनार बिल्कुल नहीं है। एक बार आपको पूरी दिखाता हूँ, तो ये रहने वाली हमारी वैगनार की प्रोफाइल। भैया ऑन नहीं हुई फॉग लाइट, अभी दिखाना एक बार, ऑन करना, चाबी लगाना भैया इसमें। हाँ अब फॉग लाइट ऑन हो गई है। तो बेसिक फॉग लाइट है, बेसिक रिस्पॉन्स है, वो भी आपको मैं चेक करा ही देता हूँ। अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा पास चलते हैं, ये देखो भाई रिस्पॉन्स अच्छा है भाई फॉग लाइट का। ये खाली फॉग लाइट है, ये देख सकते हो इसमें हमारी पार्किंग लाइट ऑन हुई है, मैं आपको डिटेल में चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये हमारी फॉग लाइट का भी रिस्पॉन्स तो सही है, मिंडा की है तो भाई जेन्युइन ही है, भैया ने डाली है, आउटपुट से ही पता चल रहा है। बाकी एक बार भैया से और बात करते हैं। भैया अच्छा मेरे को एक बात बताना, ये जो मिंडा की फॉग लाइट आपने डाली है इसमें कुछ वारंटी वगैरह भी मिल रही है? एक साल की वारंटी। एक साल की वारंटी है, ठीक है, ओके ओके ठीक है। अच्छा इसमें वैगनार की ब्रांडिंग भी है? ब्रांडिंग है, गार्निश क्रोम डाली है इस गाड़ी, ठीक है भाई। ये हमारे विंडो क्रोम भी हम कह सकते हैं, ये इसके डाले हैं डोर गार्ड, ठीक है। साइड बीडिंग डाली है, ठीक है भाई, ये अच्छी लग रही है। साइड बीडिंग की बात करें तो वैगनार लिखा हुआ इस पे, और बाकी आप देख सकते हो भाई बहुत प्यारा इसमें जो है ना, ये बेसिकली भैया क्रोम तो नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? ये नॉर्मल वैगनार बैजिंग की आती है। अच्छा भाई सिल्वर फिनिश में आती है, सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन, ब्लैक में भाई वैगनार लिखा है, बहुत ही प्यारी चीज लग रही है। ये देखो फुल ब्लैक नहीं होती इसमें, सिल्वर कॉम्बिनेशन आता है। अच्छा फुल ब्लैक नहीं होती, ठीक है भाई, पर अच्छी लग रही चीज देखो। अच्छा नया डिजाइन आया, ये लेटेस्ट डिजाइन है, तो भाई सही है लेटेस्ट डिजाइन आया। और ठीक है ना बीडिंग में दोनों? अच्छा क्लाइडिंग है ये, अच्छा बीडिंग से अलग है ये। अच्छा ये डोर ग्लाइड, बीडिंग छोटी होती है, ये थोड़ी ब्रॉड होती है, ब्रॉड होती है, अच्छा चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है। यानी एक चीज बहुत अच्छी बताई है, मतलब अच्छा भैया ये डोर बीडिंग और क्लाइडिंग में फर्क होता है? डोर बीडिंग जो होती है वो थोड़ी पतली होती है, ये साइज की होती है। अच्छा। और क्लाइडिंग थोड़ी चौड़ी हो गई है, ठीक है। तो मतलब जो चौड़ी होगी भाई ये देख लो आप नोटिस कर, ये क्लाइडिंग होती है जो चौड़ाई होती है, और डोर बीडिंग जो पतली होती है, ठीक है भाई, ये चीज अच्छी बताई है, बाकी आप भी इसको नोटिस करना चीज को। अच्छा उसके अलावा ये देख सकते हो भाई, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है
ये जो डाले हैं, अच्छा मड फ्लैप भी डले और व्हील कवर भी डले हैं। ये सुजुकी टाइप का डिजाइन है बट उसकी सुजुकी ब्रांडिंग नहीं, बट अगर बात करें तो भाई यही टाइप का हमको मिलता है ना उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी टाइप का डिजाइन मिलता है बट वो कंपनी की बैजिंग होती है, ये हमारी नॉर्मल सुजुकी का लोगो लगा होता है। बाकी पीछे आप देख सकते हो तो हमारे लगा ये स्पॉइलर है, एबीएस का स्पॉइलर है, जैसे देख सकते हो आप एबीएस का स्पॉइलर है। अच्छा एबीएस का, तो भाई मतलब ये है कि हल्का सा इधर लग जाए तो वो टूटता नहीं, नॉर्मल प्लास्टिक वाला टूट जाता है। अच्छी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। ये हमारे रियर गार्ड लगवाया है वैगनार का, ठीक है, ये वैगनार का रियर गार्ड आप पीछे देख सकते हो। बाकी उसके अलावा ये इधर भी हमारे लगे हैं कॉर्नर बम्पर प्रोटेक्टर, ठीक है भाई। रिफ्लेक्टर नहीं डाले इसमें, रिफ्लेक्टर नहीं डल भाई। वैसे अगर बात करें तो भाई रिफ्लेक्टर अवेलेबल है वैगनार के? हमारे पास रिफ्लेक्टर है दो में, एक सादा वाला भी है, मैट्रिक्स वाला भी है। अच्छा दोनों अवेलेबल है, तो भाई फिर से आगे वैगनार के पास, तो बाकी देख सकते हो ये स्पॉइलर दिखा दिया, ये दिखा दिया, अब अंदर साइड चलते हैं, आगे से चलते हैं भैया, आगे से ज़्यादा बेटर पता चलता है सीट कवर की क्वालिटी। तो आगे हम गाड़ी के अंदर की साइड, और ये देख सकते हो हमारा स्टेयरिंग कवर भी अच्छा, ये नॉर्मल स्टिच किया है ना, नॉर्मल स्टिचिंग की है। हाँ इसमें कुछ वो नहीं हुआ, हाँ नॉर्मल स्टिचिंग हुई है, हाई फाई वाली नहीं हुई। बाकी अगर कोई चाहे तो वो वाली भी स्टिचिंग हो जाएगी आपको, जो ओएम वाली है थी। ये भैया सेमी पकेट है, उधर से आना भैया अंदर, तो भाई इस तरह के, बाकी भैया ने पन्नी चढ़वा दी, ये सेमी पकेट है, तो ऐसे मैं देख पाऊँ ना। अच्छा फ्लोरिंग भी हुई है भाई, ये देख लो, ये हमारी हाईली रिकमेंडेशन रहती है, फ्लोरिंग जरूर करो। बाकी ये आपने डाला इसमें सिस्टम? हाँ ये सिस्टम अपना है, ये डबल डिन डाला है उसका, पाइनियर का डबल डिन डाला है। अच्छा स्पीकर कौन से डाले भैया? स्पीकर हमने इसमें डाले निपॉन के डाले जी, और ये इसमें वो भी डाला है हमारा, ये कहते हैं मैट सिंपल ही, ये सिंपल रबड़ मैट है बेसिक। हाँ क्योंकि वो फ्लोरिंग हो रखी है ना, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी सीट कवर आप देख सकते हो सेमी बकेट है, बट ठीक है फिनिशिंग ठीक है, बट बकेट करवाते तो मेरे हिसाब से मजा ज्यादा आता इसमें, मतलब बकेट भी हो जाती है भैया? हाँ बिल्कुल, बकेट भी फिटिंग होती है हमारे यहाँ तो मेन प्रॉपर काम, जो गाड़ियाँ आती है सारी गाड़ियों की सीट कवर बकेट्स में ही आती है हमारे, मोस्टली हमारा बकेट का मेन काम है। मेन काम आपका बकेट का ही है? मेन काम है ये, भैया ने जैसे बोला, जैसे उन्होंने बोला वैसे हमने उनको करके दिया, ठीक है भाई। उनके पास टाइम की शॉर्टेज थी, उन्होंने इसलिए बकेट नहीं डलवाया, ये डलवा दिया, आर्मी वाले भैया थे ये, तो इनको निकलना भी है बहुत जल्दी। ठीक है अच्छा, तो बात हो गई हमारे स्पीकर भैया आपने बताया पाइनियर के लगे आगे? नहीं स्पीकर हमने उसके निपॉन के डाल लगे और ये हमारा जो डबल डिन सेट डाल रखा है, हाँ। ये हमने उसका पाइनियर का डाल रखा है। ठीक है बाकी पीछे आते तो भैया पीछे कौन से स्पीकर डाले आपने? पीछे निपॉन ही डाले हैं। अच्छा, भैया ने जो चारों सेट निपॉन का, आगे भी और दो सेट डलवाए, दोनों निपॉन ही डलवाए। ठीक है भाई, बाकी आप अंदर से देखो गाड़ी, तो इसमें जैसे शुरू में बताया था भाई बेसिक काम हुआ है। हाँ बेसिक काम हुआ है, कंपनी भी रिकमेंड करती है, कंपनी से भी ये निपॉन के स्पीकर आते हैं। भैया ये जैसे स्क्रीन लगी है, कैमरा वगैरह भी डालेगा इसमें? कैमरा भैया ने वो बोला था बट उनके पास टाइम नहीं था, कैमरा उनको बाद में डलवा देंगे, वो कल फिर आएंगे। ठीक है अभी कल फिर आएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू था उनका, टाइम का शॉर्टेज है। ठीक है तो भैया इसकी थोड़ा साउंड वगैरह सुनाना, किस तरह की साउंड रहने वाली है। अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई ये सारा काम जो है हमारी पहली वैगन आर में है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया एक बेसिक काम जो रिक्वायरमेंट होती है। अब चलते हम दूसरी वैगन आर की तरफ, उसे दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है, फिर भैया से ही बात करेंगे। आगे हम दूसरी वैगन आर की साइड, यहाँ पे भी बेसिक काम हुआ है, कॉर्नर बम्पर प्रोटेक्टर हुआ है, यहाँ पे फॉगलाइट लगी, भैया इसकी बंद कर देना और इसकी फॉगलाइट जला के दिखा देना मेरे को,
वही जो सेम लगभग सेम काम हुआ है, इसमें सिस्टम वगैरह नहीं हुआ, बट वो भी मैं आपको फॉग लाइट का रिस्पांस चेक कराता हूँ। उसके अलावा हमारे साइड प्रोफाइल पे आप देख सकते हो भाई, ये लगे हैं हमारे वॉइजर, सीट कवर जो इसमें चेंज हुए हैं, ये रहने वाले हमारे वॉइजर जैसे देख सकते हो आप। उसके अलावा ये हमारे लगे हैं विंडो क्रोम, और फिर से मैं आपको एक चीज़ नोटिस में लाना चाहूँगा, ये हमारे लगी है डोर क्लैडिंग। एक बार साइड प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, तो इसमें सेंटर लॉकिंग डाली क्या भाई आपने? सेंटर लॉक कंपनी की है। अच्छा, कंपनी की है, ठीक है भाई। तो बाकी ये लगी हमारी डोर क्लैडिंग। अगर साइड की बात करते हैं, ये रहने वाली हमारी इस तरह की वैगन आर की साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके अलावा एक चीज़ है यहाँ पे, वैसे भैया ने व्हील कवर नहीं लगवाया। अभी डलेंगे डलेंगे अभी व्हील कवर डलेंगे। अच्छा, व्हील कवर डलेंगे। अच्छा, वही सेम डलने वाले हैं भैया? सेम वही। अच्छा, वही वाला जो सुजुकी का अपना डिज़ाइन आता है। साइड प्रोफाइल देख लो भाई एक बार फिर से, इस तरह की रहने वाली हमारी वैगन आर की साइड प्रोफाइल। क्लैडिंग से खैर ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू जो हम कहते हैं भाई साइड में हमारे जो लगता है डोर बीडिंग। बाकी हाँ, थोड़ा ग्रेसफुल, काफी ग्रेसफुल लुक आ रहा है इसका डोर्स का। हाइलाइट ब्रॉड लग रहे हैं डोर्स, हाइलाइटिंग हो जाती है, हाइलाइटिंग अच्छी हो रही है। सबसे अच्छी बात ये है, ये डबल टोन में है, सबसे बेस्ट ये डबल टोन में है, सिल्वर और ब्लैक बैजिंग, फुल ब्लैक नहीं है। क्योंकि इसमें ना वैगन आर का अगर आप देखोगे ना, वैगन आर हाईलाइट हो रहा है। एक बार मैं अगर आपको पास में लेके जाता हूँ तो देखो भाई, ये वैगन आर देखो कैसे हाईलाइट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा पीछे आते हैं तो वही सेम काम हुआ है हमारे पीछे, ये लगे हमारे पीछे स्पॉइलर वाइट कलर का। रियर गार्ड नहीं लगवाया। अच्छा, रियर गार्ड नहीं, इसमें नहीं लगवाया। इसमें हमारे रियर गार्ड लगा है और इसमें रियर गार्ड नहीं लगा। इसमें बम्पर कॉर्नर लगे हुए हैं हमारे, और हमारा ABS का ये अगेन क्या कहते हैं स्पॉइलर लगा हुआ है हमारा, ABS वाला स्पॉइलर लगा है। बाकी वही लगभग सेम काम हुआ है, और अभी हमारे व्हील कैप लगने इसमें जैसे भैया बता रहे हैं, और इसमें भी अंदर की साइड चलते हैं तो इसमें सिस्टम नहीं लगा जैसे मैं देख रहा हूँ। ठीक है भाई, सिस्टम नहीं लगा, सीट कवर देखा। ठीक है, ये भी सेम ही है भैया? ये अलग, ये बकेट है, बकेट नहीं है, सेमी बकेट, सेमी है, पैटर्न अलग है, पैटर्न। तो ये जो है इसमें बेसिक काम हुआ है काफी, ये थोड़ा महंगी सीट कवर है, वो सस्ते सीट कवर है। अच्छा, बाकी क्योंकि हाँ इसकी थोड़ी फिनिशिंग अलग है, सिल्वर वगैरह में तो थोड़ा सा, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल की है, इसकी रेंज हैवी है। ठीक है, एक बार अंदर चलते हैं। बाकी इसमें स्टीयरिंग कवर स्टिच किया है इसका भी? स्टीयरिंग कवर भैया ने नहीं डलवाया, नहीं डलवाया, नहीं डलवाया। अच्छा, इसमें बहुत ही बेसिक काम हुआ, इसमें और ज्यादा बेसिक, बहुत बेसिक हुआ है। तो एक बार चलते हैं, बोला है वही काम कराया इसमें। ठीक है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला उनको कि यह करवाओ ये करो, भैया ने जो बोला हमने वो डाल के दिया। ठीक है, तो अंदर की साइड चले भैया, अंदर की साइड चलते हैं एक बार। तो भाई देख सकते हो जो कि हाईली रिकमेंडेशन रहती है इसमें फ्लोरिंग करवाने के लिए, वो उसमें भैया ने फ्लोरिंग करवाई है इसमें, फ्लोरिंग हो रखी है। हाँ, ये देख सकते हो आप। बाकी सीट कवर थोड़े से ये फैंसी ज़्यादा है तो रेंज इसकी उससे ज़्यादा है, बट ये भी सेमी है, ये आप देख सकते हो भाई, ये भी सेमी है, ये आप देखो जरा। डोरमेट लगने को है, डोरमेट लगेंगे। अच्छा अच्छा, अभी मतलब लगने हैं, फुटमेट लगने हैं। ठीक है भैया, ठीक है। बाकी स्टेयरिंग कवर इसमें नहीं स्टिच हुआ, इसमें बेसिक रखा गया। तो भैया सारा काम हुआ वैगन आर में, जैसे हाँ फॉग लैम्प ऑन करना भैया, वो रिस्पॉन्स दिखाना। ठीक है, चेक करते हैं भाई। तो भाई ये देख सकते हो लगे इसके फॉग लैम्प, वही सेम है तो सेम ही इसका आउटपुट है, काफ़ी अच्छा आउटपुट है ये देख सकते हो। तो सारा काम हुआ है हमारी वैगन आर, पहली वाली वैगन आर चली गई क्योंकि भैया को लेट हो रहा था, और ये दूसरी वैगन आर में भी काफ़ी बेसिक काम हुआ है। तो सारा काम मैंने आपको दिखा दिया वैगन आर में, एक बार जिनकी गाड़ी उनका फीडबैक लेते हैं भाई क्या कहना है काम के बारे में। जैसे मैंने काम दिखाया, भैया आए वैगन आर लेके, पहली वाली वैगन आर वाले भैया चले गए, दूसरी वाली वैगन आर इनकी रहने वाली है, तो इनका भी फीडबैक लेते हैं भैया क्या कहना है काम के बारे में। नहीं, काम बहुत बढ़िया था आपका, बढ़िया हुआ। हाँ, बढ़िया काम हुआ, बिल्कुल जो उम्मीद करके आए थे वैसे मिला आपको? बिल्कुल वैसा ही मिला काम जैसा आप। और दूसरों को रेकमेंड करोगे यहाँ आने के लिए? बिल्कुल जरूर आओ यहाँ पे, अपना सारा काम कराओ, अच्छे से कराओ। और बात करें भैया कॉस्टिंग की, जैसे बेसिक काम हुआ क्या कॉस्ट आई है? तकरीबन यही सारा काम कराने के बाद 20-1 हज़ार रुपये, 20 हज़ार हो गए। ये मरीज का दूसरी गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी वही जो आप बजट सोच के, तो उसी बजट में हुआ है काम? हाँ, बस उतना ही काम कराया जितना बजट था, बाकी कराने को तो चाहे 50 हज़ार रुपये लगा लो, जब भी कम है गाड़ी। बाकी वही है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, खुश हो आपका? बिल्कुल सर, थैंक यू भैया। ओके सर। तो जैसे भैया मैंने काम दिखाया था वैगन आर का, ये दोनों भैया यहाँ पे मिलेंगे। भैया फिर भी एक बार नाम बता देना फिर से एक बार। भाई का नाम मुकेश तिवारी है। मुकेश भैया। और मेरा नाम शहबाज नदीम है। शहबाज भैया। तो भैया जैसे जो वैगन आर का काम किया हमने, ये बेसिक काम हुआ है, जैसे एक भैया बता रहे 20 हज़ार का काम हुआ, जो बेसिक काम हुआ है, एक में 20 का काम हुआ है, एक में 25 का काम हुआ है। एक में 20 का काम हुआ, एक में 25 का काम हुआ है। अच्छा भैया, अगर कोई ऐसे हाई फाई काम करवाता है वैगन आर में, 35-40 हज़ार रुपए में टॉप, पूरी टॉप मॉडल बन जाएगी, पूरी टॉप मॉडल, बिल्कुल जिसमें हमारा ABS किट आ जाएगी, सिस्टम अच्छा वाला हो जाएगा,
और वो कहते हैं मतलब क्या कहते हैं वेलकम लाइट वगैरह सब कुछ फुली लोडेड कार हो जाएगी, मतलब 40,000 में बिल्कुल लोडेड कर दो और कम में ही कर देंगे, उससे कम में भी हो जाएगा। तो आप भी अपनी बाकी भैया वैगन आर के लिए, तो आप मैंने देखा जैसे काफी सारी वैगन आर आपके पास आती है, जैसे आज भी 3 आई थी पर हमने 2 का ही वीडियो कवर किया, कल भी भैया बता रहे 2 वैगन आर कल 2 आई थी हमने, आपने आपके पास टाइम था नहीं इसलिए आप आ नहीं पाए, ठीक है कल भी हमने 2 गाड़ी वैगन आर तैयार की है, ठीक है। तो भाई मतलब वैगन आर के तो स्पेशलिस्ट बन चुके हो, वैगन आर ओरा ठीक है, स्विफ्ट 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 का तो आपको पता है मेरे पास सारा पार्ट है, हाँ स्विफ्ट भी आपके पास आई और आगे भी पूरी मार्केट में हमारी हमारी सारा काम, आप तो सुबह आए थे तो ओरा आपके सामने गई, हाँ तो ओरा वाले बोला मुझे वीडियो बनाने नहीं है तो इसलिए हमने वीडियो बनाया नहीं, ठीक है ठीक है। तो बाकी आप भी अपनी गाड़ी में काम करा सकते हो, जैसे देख सकते हो भाई सारी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है, सारी आप जो मतलब सारा गाड़ी का कंप्लीट काम यहाँ पे मिल जाएगा कोई भी गाड़ी में, तो आप भी आ सकते हो नाई वाला करोल बाग शीतला कार एम्पोरियम, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भैया जो स्क्रीन पे नंबर दिए दोनों में व्हाट्सएप चलता है? हाँ जी दोनों, दोनों नंबर। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया, ओके सर।